नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का होस्ट एंड दोस्त नारंग ककुम से। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, और अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज मैं आपको इस जो आपका नया लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये कोविड के चलते सब कुछ यानी उथल पुथल हो रखा है, तो इसीलिए आज 8 तारीख आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल एक नया अपडेट आया है दोनों के तरफ से, एजुकेशन सेक्टर के तरफ से। तो आप ये वीडियो में बने रहिए, हम ये सब बारे में आगे बात करेंगे, आपको सारा जानकारी दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जेईई मेन और नीट के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कहाँ मिलेगा, एज लिमिट कितना है, प्रोसेस कैसे है, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स, ये सब के बारे में आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोविड के चलते सब कुछ उथल पुथल हो रखा है, जो डेट था वो भी रीशेड्यूल हो गया है और क्लास 12 का एग्जाम भी अभी कैंसिल हो गया है, मगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो आज हम बात करेंगे आपको जेईई मेंस और नीट का। आप सभी को पता है जेईई मेंस यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि होता है इंजीनियर्स के लिए, उसके बाद है नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो कि है मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए। तो आप सभी को पता है कि इनका जो डेट है वो पोस्टपोन हुआ था, अभी ये जो अप्रैल में है आपका मेडिकल का, उसके बाद मई को होगा आपका नीट का। तो सोर्स ये बता रहा है कि ये जो गवर्नमेंट अभी फिर से इंजीनियर एग्जाम को अभी कंडक्ट करने वाला है 2021 मेन का, जेईई मेंस का, मेडिकल का भी, वो भी अगस्त में करने वाला है। सोर्स ये बता रहा है कि अगस्त एक तारीख को शायद 90% कन्फर्म हो चुका है आपका ये दोनों का एग्ज़ाम, मगर अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, शायद उसके आगे पीछे भी हो सकता है। तो चलिए आगे हम आपको पूरा अपडेट देता हूँ क्या क्या होने वाला है। सो दोस्तों, जेईई मेन का जो एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका डेट रिलीज किया जाएगा NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, वो ये डेट जो उसको शेड्यूल किया गया है उसको, लेकिन एग्जाम के 15 दिन पहले आपको ये डेट को अनाउंस किया जाएगा। और जिन जिन लोगों ने ये, आपको पता है कि ये जो जेईई मेंस एग्जामिनेशन है ये आपका अप्रैल और मई को रीशेड्यूल हुआ था, मगर इसका डेट को ऑफिशियली वेबसाइट में अनाउंस किया जाएगा, तो आप वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो, या फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर में, तो आप मेरे वीडियो का भी इंतज़ार कर सकते हो। उसके बाद जिन जिन लोगों ने जेईई मेंस के लिए अप्लाई किया है वो लोग अभी इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। 2021 हमेशा जाके वेबसाइट है jeemain.nta.nic.in, उसके बाद और एक है वो है nta.ekan.in jeemains का 2021 को। सो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं नीट के बारे में। आप सभी को पता है नीट का भी जो है वो नीट का भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन लोगों ने जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक्टिवेट कर दिया है, तो आप वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो और प्रोसेस को फर्दर कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरी होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको क्या क्या रेडी रखना है। सो सबसे पहले आपको रखना है आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपका कैंडिडेट का, उसके बाद रखना है उसका सिग्नेचर, वो भी फ़ोटो किसके, उसके बाद आपको रखना है लेफ्ट हैंड का जो थंब फिंगर है उनका कैंडिडेट का, उसके बाद रखना है क्लास 10 का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, उसके बाद स्कैन इमेज ऑफ पोस्ट कार्ड साइज फोटो फोटोग्राफ रखना है कैंडिडेट का, ये सब चीज़ आपको रेडी रखना है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नीट 2021 एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। आप सभी को मैंने शायद कुछ पहले ही बता दिया था, ये जो नीट अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये आपका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन ही होगा, तो आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक या फिर आपका जो वेबसाइट है मैं उसे दे देता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे www.nta.nic.in, यहाँ पे आप जाइए और एप्लीकेशन पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं एज लिमिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एग्जामिनेशन में। सो दोस्तों, एज पर नीट अंडर ग्रेजुएशन 2021 आपका एज होना चाहिए 17 से लेकर 25 का बीच में। अगर आप 17 से ऊपर हो तो ठीक है, नीचे हो तो रिजेक्ट हो जाओगे,
और उसके बाद 25 से ऊपर हो तो भी रिजेक्ट हो जाओगे, यानी कि दिसंबर 31st 2021 तक उसका एज या तो 17 हो जाना चाहिए या फिर 25 होना चाहिए। अगर उसे कम ज़्यादा हुआ तो आप नीट एग्जामिनेशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो दोस्तों, एज पर नीट अंडर ग्रेजुएशन 2021 गाइडलाइंस, जो एप्लीकेंट है उसके पास क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब ये चार मेन सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास, जैसे भी। उसके बाद एप्लीकेंट हुज क्लास 12 रिजल्ट रिमेंस अवेटेड कैन अप्लाई फॉर नीट अंडर ग्रेजुएशन। अभी तक जिसका क्लास 12 रिजल्ट नहीं आया है वो भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बी रिजेक्टेड। तो दोस्तों, ये था कुछ अपडेट्स। मैं फिर से जो अपडेट आने वाला मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। आप यूं ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।